नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस पे। आज मैं अपने रीसेंट शिमला ट्रिप के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको अपनी ट्रिप प्लान करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को पूरा देख के आप जान सकेंगे कि शिमला में कैसे पहुंचें, यहां रुकने के लिए होटल्स कहां लें और कितने का बजट होगा, शिमला में घूमने के प्रमुख स्थान, और अगर आप शॉपिंग और फूड लवर हैं तो यहाँ के फेमस बाज़ार और फेमस रेस्टोरेंट्स, और आपकी ट्रिप में होने वाले पूरे खर्चे के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं पर समय कम है और लंबी ट्रिप पर नहीं जा सकते, तो शिमला एक वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ आप ओवरनाइट ट्रैवल करके पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हमने अपनी ट्रिप दिल्ली से स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको दिल्ली टू शिमला जाने के सारे ऑप्शंस बताऊंगा। और अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ से अपनी शिमला ट्रिप प्लान कर सकते हैं। शिमला जाने का सबसे बढ़िया ऑप्शन ट्रेन है। आपको पहले अपने शहर से कालका तक ट्रेन से जाना होगा, फिर कालका से टॉय ट्रेन की राइड का मज़ा लेते हुए शिमला तक पहुंचा जा सकता है। पर आप ट्रेन टिकट बुकिंग एडवांस में ही कर लें, क्योंकि रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको ट्रेन टिकट नहीं मिल पा रही है तो आप वॉल्वो बस से शिमला तक पहुँच सकते हैं, जो कि दिल्ली से ओवरनाइट ड्राइव के बाद आपको शिमला तक पहुंचा देगी। इसके चार्जेस लगभग 1200 रुपये से 1500 रुपये पर पर्सन तक होते हैं। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है सेल्फ ड्राइव कार या टैक्सी का। सेल्फ ड्राइव आप तभी करें जब आपको हिल्स पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कालका टू शिमला लगभग 90 किलोमीटर हिली रोड है और काफ़ी रास्ता सिंगल लेन है और रोड वाइडनिंग का काम कंटिन्यूस चल रहा है, सो सेल्फ ड्राइव कार में सेफ्टी एक कंसर्न रहेगा। दोस्तों, टूरिस्ट टैक्सी एक अच्छा विकल्प रहेगा। हमने अपनी रीसेंट शिमला ट्रिप टैक्सी से ही करी थी, जिसमें इंक्लूडेड थे दिल्ली से शिमला आना जाना प्लस शिमला में साइट सीइंग। दोस्तों, हमने 10 रुपये पर किलोमीटर प्लस ड्राइवर के नाइट चार्जेस पर मारुति डिज़ायर बुक करी थी। हमारी शिमला ट्रिप के टोटल टैक्सी एक्सपेंसेस 11,000 के करीब हुए, इंक्लूडिंग टोल टैक्सेस। सेडान के चार्जेस 10 से 11 रुपये पर किलोमीटर हैं और SUV के 12 से 13 रुपये पर किलोमीटर। अगर आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है और आप एक छोटे ग्रुप के साथ हैं और थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, तो टैक्सी ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक रुकते हुए शिमला जा सकते हैं। रास्ते में अच्छा हाईवे फूड और खूबसूरत व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिल्ली टू शिमला ड्राइव में हमको करीब 9 घंटे का वक्त लगा। अपनी टैक्सी से जाने का एक फ़ायदा ये है कि आप शिमला में साइट सीइंग के लिए वही टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ घूमने के लिए टैक्सी हायर करने का भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं शिमला में होटल बुकिंग की। दोस्तों, छुट्टियों के सीज़न के वक्त आपको होटल थोड़े कॉस्टली मिलेंगे। आप ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट से इनके रेट्स कंपेयर करके ही होटल बुक करें। एक डिसेंट होटल आपको 2500 से 3500 के बीच में मिल जाएगा। होटल बुकिंग करवाते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका होटल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हो, क्योंकि शिमला सिटी में घूमने के प्रमुख स्थान मॉल रोड के आसपास ही हैं। अब बात करते हैं शिमला में घूमने के प्रमुख स्थानों के बारे में। सबसे पहले आप मॉल रोड और आसपास के टूरिस्ट स्पॉट जाएं, जैसे स्कैंडल पॉइंट, द रिज, क्राइस्ट चर्च, जाकू टेम्पल और कालीबाड़ी टेम्पल। ये सारे स्पॉट्स बिल्कुल आसपास हैं, आप आराम से वॉक करके इन सारी जगहों पर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, रिज पर आप हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 80 रुपीज़ होते हैं। यहाँ बनी हुई शॉप से आप स्वादिष्ट आइसक्रीम और मोमोज ज़रूर खाएं और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा उठाते हुए सेल्फी लेना ना भूलें। क्राइस्ट चर्च से लगा हुआ रास्ता जाकू टेम्पल को जाता है। आप यहाँ पैदल 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुँच सकते हैं, टैक्सी करके भी जा सकते हैं या रोपवे से भी जा सकते हैं। ये रोपवे क्राइस्ट चर्च से 600 मीटर दूर है। रोपवे से जाकू टेम्पल पहुँचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। रोपवे के चार्जेस 250 रुपये पर पर्सन प्लस टैक्सेस होते हैं, जो कि थोड़े कॉस्टली हैं। जाकू मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान भगवान की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी की विशाल मूर्ति रिज से भी देखी जा सकती है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस मंदिर में बंदरों का आतंक है। आप अपने हाथ में कुछ भी खाने पीने का सामान ना रखें और अपने बैग्स को अच्छे से पकड़ कर रखें। अपना चश्मा और फ़ोन संभाल के अपने बैग में ही रखें। इनकेस कोई बंदर आपसे कुछ सामान छीन लेता है तो आप उसको वहाँ लगी प्रसाद की दुकानों से मिठाई का एक पैकेट खरीद के दे दें, वो आपको आपका सामान वापस कर देगा। दोस्तों, जाकू मंदिर से वापस आकर आप अपना इवनिंग का बचा हुआ वक्त खूबसूरत रिज पर बिता सकते हैं। रिज का नज़ारा रात को बहुत सुंदर हो जाता है।
यहाँ ठंडी हवा में लहराते हुए तिरंगे की खूबसूरती रात को देखते ही बनती है। दोस्तों, मॉल रोड पर शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ देसी और विदेशी सारे ब्रांड्स के शोरूम हैं। आप मॉल रोड से लगे हुए लक्कड़ बाज़ार जाना ना भूलें। ये बाज़ार अपनी लकड़ी से बने हुए आइटम्स के लिए फेमस है। लकड़ी से बने हुए शोपीसेस, वॉचेस, स्पून्स, सर्विंग प्लेट्स, मग्स और बहुत कुछ यहाँ अच्छे रेट्स पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये शॉप ओनर ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करते और लगभग हर शॉप पर आपको एक ही रेट मिल जाएगा। लक्कड़ बाज़ार जाएं तो सीताराम और संस का चना लुच्ची और चना आलू टिक्की खाना ना भूलें। ये शॉप शिमला के बेस्ट ईटिंग जॉइंट में से एक है। यहाँ बने हुए लुच्ची और छोले खाने पर आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सीताराम एंड संस के अलावा भी यहाँ फूड एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आंटी चाइनीज़ फूड शॉप मॉल रोड से लगी हुई है। आप मॉल रोड पर किसी से भी पूछ लें, आपको यहाँ का पता मिल जाएगा। आंटीज़ एक ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड शॉप है। यहाँ के मोमोज, नूडल्स और रोल्स आप ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आप कॉफ़ी, पैनकेक्स, फलाफल, टोस्टीज़, पास्ता और काठी रोल्स वगैरह के शौकीन हैं तो वेक एंड बेक कैफ़े जाना ना भूलें। ये कैफ़े शिमला के कुछ बेस्ट कैफ़ेज़ में आता है। इसके फूड के टेस्ट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इवनिंग के वक्त यहाँ बैठने की जगह मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों, इन जगहों के अलावा शिमला में घूमने के प्रमुख स्थान हैं कुफरी, तारा देवी टेम्पल, कालीबाड़ी टेम्पल और शिमला स्टेट म्यूज़ियम। आप अपनी नेक्स्ट डे की ट्रिप में इनमें से कहीं भी जा सकते हैं। कुफरी मॉल रोड से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ यह एक ऊँची पहाड़ी पर है। आपको अपनी कार पार्क करके हॉर्स राइडिंग करके कुफरी तक जाना होगा। इस राइड के चार्जेस लगभग 500 रुपये पर पर्सन होते हैं। तारा देवी टेम्पल मॉल रोड से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर तारों की देवी तारा देवी को समर्पित है। दोस्तों, आपकी शिमला ट्रिप के लिए मेरी ओर से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। शिमला में आपको बंदरों से सावधान रहना होगा। पूरे शिमला सिटी में बहुत बंदर हैं जो कि आपके हाथ में कुछ भी आइटम देखकर उसे छीनने की कोशिश करेंगे। आपको अपने साथ पिट्ठू बैग ज़रूर रखना होगा ताकि आप कुछ भी शॉपिंग करें तो उसमें ही कैरी करें। शिमला सिटी नो स्मोकिंग और नो प्लास्टिक जोन है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आप वाया रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो कालका शिमला हाईवे पर दो बहुत ही फेमस फूड जंक्शंस मिलेंगे। पहला ज्ञानी ढाबा, जहां रुककर आप अपना लंच या डिनर इन्जॉय कर सकते हैं। ये ढाबा शोलंग के पास है। इसके अलावा इशार स्वीट्स में आप कुल्फी ज़रूर इन्जॉय करें। ये शॉप शिमला कालका हाईवे पर धर्मपुर के पास है। इन दोनों शॉप्स का लोकेशन आपको GPS पर मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको शिमला ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।